नमस्कार, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। आज खबर हम आपको बता दें कि चेतना फीड ट्रेडर्स एंड चेतना लाइव स्टॉक में सभी पिगरी फार्मर्स का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी पिगरी फार्मर्स के सामने कोरोना काल में आई सभी समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के संयोजक चेतना फीड एंड स्टॉक्स के फार्मर मन्नू गहलोत द्वारा किया गया। बता दें कि नवनियुक्त हरियाणा पिगरी फार्म के प्रधान परमानंद उर्फ फौजी, झज्जर पिगरी फार्म के प्रधान किशन अहलावत, सुनील, नीटू समस्त प्रधानों ने पहुंचकर बैठक में हिस्सा लिया और फार्मर्स की सभी समस्याओं का संज्ञान में लिया और उनके उन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए सभी फार्मर्स से अपील की गई कि सभी इकट्ठा होकर अपनी एक दूसरे की मदद करें। बता दें कि इस बैठक के संयोजक मन्नू गहलोत ने इस बैठक का बड़े ही ठीक ढंग से संचालन किया और सभी प्रधानों का सम्मान किया। अपनी इस यूनियन का जो गठन करना शुरू में जो गठन करने के लिए शुरुआत की थी हमारे भाई साहब सुनील भाई साहब, वो इस यूनियन के गठन में उनका योगदान है और उनका स्पेशल सम्मान हमारे ताऊ सोनू के पिताजी करेंगे जी, पगड़ी बांध गए। अपने विचार रखे हैं कुछ यूनियन के बारे में भाई, सभी भाइयों को राम राम, प्रधान जी को उपस्थित मंच पर सभी भाइयों को राम राम। भाई ऐसा है कि जो आज मन्नू भाई ने प्रधान जी का और मेरा जो स्वागत किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मन्नू भाई का और झज्जर की जो कार्यकारिणी है उसका सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात यह है भाई, प्रधान जी अभी लग रहे हैं जैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है नॉर्थ ईस्ट में अपना माल पहुँचने की तैयारी में, तो पूरी कोशिश में है। जब कुछ सामने आ जाएगा तो ज़रूर आप लोगों को बताया जाएगा भाई कैसे कैसे क्या हो सकता है। एकदम तो भागदौड़ी मचाएंगे तो फिर नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी, तो धीरे धीरे शायद वो खुल जाए। प्रधान जी पूरी कार्रवाई में लग रहे हैं, तो जैसे ही खुल जाएगा तो सबके पास मैसेज आ जाएगा। बाकी तो एक मंच के ऊपर सारे भाई आज इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये भाई, आज अगर दिल्ली की भी कार्रवाई कुछ करें बेचने की तो वो भी नहीं बेच पा रहे, क्योंकि अपने जो सामने हैं फिर सराध लाख जन और अत्रे आ जाएंगे तो 2 महीने वहाँ भी कुछ माल नहीं जा पाओगा। तो कोशिश है वहीं नॉर्थ ईस्ट में ही कार्रवाई कुछ हो जाए, कुछ पॉजिटिव चीज़ हो जाए। तो बातचीत चल रही है भाई की भी, मंत्री लेवल तक बात चल रही है ना, कुछ हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। बाकी भाई सारी यूनियन जैसे जुड़ के एक मंच पर चल कर साथ चल कर सरकार के सामने को प्रस्ताव रखेंगे तो सरकार भी मानेगी, बस यही बात थी भाई आज की। यहाँ यो सबसे बढ़िया कराया है, अरे गादी पे जय भी बोल लिया करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अपने रोहतक से प्रधान है, वो अपने विचार थोड़े से रखेंगे आपके समक्ष। भाई मंच में सारे जो बुजुर्ग बड़े भाई बहते हैं उनको राम राम और सारे फार्मर भाइयों को राम राम। भाइयों इब तो विचार के रखने हैं, विचार तो एक है, दिन रात कैसे भी नॉर्थ ईस्ट खुल जाए, माल बिक जाए, स्टेबल हो जाए। इस पर जो हमारी सेंटर बॉडी है स्टेट की वो लग रही है, सुनील भाई भी लग रहे हैं जब, और अपनी तरफ से कोशिश जो हमसे बन पा रही है हम भी अंदर खाते लग रहे हैं। जिस दिन ये खुल जाओगा, जिस दिन फार्मर का माल उठने लग जाएगा, उस दिन शांति मिल जाएगी और उस दिन स्टेबल हो पाते से सारी चीज़ अच्छी लग जाएंगी। इतना तो भाई एक किस्म से ये मान कर चलो सब नाजुक ही हालत में है, और भगवान से प्रार्थना भी करो कि उन मंत्रिया ने भी और उन लोगों का भी काम खुल रहे जो वहाँ मार्केट में बैठे हैं, कि उनका काम खुल रहेगा तो हमारा काम वहाँ माल जाएगा। जब हमारा काम खुल रहेगा तो सबसे पहले वहाँ की मार्केट चालू हो जाए, ये कृपा है भगवान से कि अपना सिस्टम हमारा आगे बढ़वाओ, जैसे भी है माता काली से कि आगे बढ़वावे, एक भाई गाड़ी ने पार करवावे और सबका माल एक बार उठने के बाद सब स्टेबल हो जाएंगे। अपने जो फीड पर भाई चला रहे हैं इसका सबकी एवरेज भी आ जाएगी। अब तो कंडीशन ये है कि फीड कितना दे दें, ज़्यादा दे दें तो ये बहक जो जल्दी तैयार हो जाएगा इसने कड़े ले जावा, ना फीड देवा तो दिक्कत है, इसमें फिर वो ग्रोथ नहीं दिखे। तो मेन जो मार्केट है भाई नॉर्थ ईस्ट में है, उसके बगैर तो हम फैल ही। हाँ वहाँ का काम खुल जाएगा तो सारे भैया का काम चल जाएगा,
इसमें जिस ते जिसी जोत लागती हो भगवान से प्रार्थना करो भाई कि माता काली हमारे कामना आगे बढ़ावे। जय हिंद भाई। जी है अपने दादरी से प्रधान, वो अपने विचार रखेंगे हमारे समक्ष। सर राम राम भाई, भाई विचार ये है अपने सोच पॉजिटिव रखो भाई, और एक दो मिनट टाइम है अपना कैसे निकालो, अपने बैलेंस रखो, फीडबैक अरेंजमेंट करो थोड़ा, और विचार सब बने रखे दिए सारे था। राम भाई हमारे दद्दर जिले के प्रधान और हरियाणा कमेटी महासचिव है जो श्रीमान कृष्ण जी। राम भाई सारे भाइयों ने सारे भाई के साथ दे रहे, मैं जो चल रहा बहुत बड़ी बात है। और बाकी मैं फौजी भाई ने बोलना चाहूँगा, जो हरियाणा एसोसिएशन में जो सचिव का पद था हमारे यहाँ जन्म दिया, इसलिए फौजी साहब का बार बार धन्यवाद। अब हमारे हरियाणा के प्रधान फौजी साहब, भाई इसमें ज़्यादा तो बात जो भाई साहब ने सुनील ने बताई थी, तो भाई ने बता दी है कि वहाँ का जो सिस्टम है वो अभी सबसे पहले तो मार्केट ही नहीं खुल रही वहाँ। अभी आप लगातार जो ग्रुप में है तो वो देख ही रहे हैं, कई बार वीडियो आ रही है जो मरने खिरने की या कोई गैर कानूनी तरीके से उसमें ले जा रहे हैं तो उनको पकड़ा भी जा रहा है। तो वहाँ का जब तक मार्केट की वहाँ की जब तक नहीं खुलेगी तो हमारा ले जाना इसे भी कोई फायदा नहीं। अब प्रक्रिया चल ही रही है सुनील भाई को, इनको सभी को पता, आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत जैसे वहाँ गए थे उस दिन मिल के आए थे, तो एक बार जाने से तो कोई काम नहीं होगा, उसमें और भी टाइम मांग रखा है। जो हमारे गिरिराज जी है, जो हमारे कृषि मंत्री है या पशुपालन मंत्री है, जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके पास मिल के आए यार, एक डेढ़ घंटा बैठ के भी आए थे। तो अब बिल्कुल ही तो ना तो नहीं है, लेकिन यह है कि टाइम लगने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, डेढ़ महीने में लग जाए, महीना में लग जाए। और फिर दूसरी बात आ जाती है कि वो अगर हमारे को लेटर दे भी देंगे तो वहाँ सेल की समस्या है, वहाँ भी जाके बात करनी पड़ेगी। तो उस पर सब चीज़ है, सुनील भाई ने भी वहाँ फ़ोन करे है, हमारे भी जो वहाँ जो खरीदने वाले हैं दुकान वाले उनसे भी बातें हुई है, तो इतनी सेल अभी वहाँ पर भी है नहीं एकदम से खुल के। हमारे तो यहाँ हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, ये ऐसे आप आना जाना है, वहाँ जो ट्रक है वो तो एंट्री कर रहे हैं, जो उनके साथ एक दो कंडक्टर ड्राइवर है, बाकी जो पर्सनल जा रहा है उनकी क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनको सभी को 14 दिन। तो अभी वहाँ का जब तक सिस्टम नहीं खुलेगा, जब तक हमारी यहाँ से और काम नहीं चलेगा। अब उसके लिए तो देखो जो अपने फीड है उसको अपने हिसाब से बैलेंस करके थोड़ा सा खिलाओ, तो ताकि हमें भाई महीना, डेढ़ महीना या दो महीना और झटका दे। दिल्ली का सिस्टम सभी भाइयों को पता है कि वहाँ इतना हमारा इतना अच्छा सिस्टम है, दिल्ली वाले को देने के लिए तो आज देते हो सुअर तो, लेकिन हमारी लागत भी नहीं पूरी मिलेगी तो फिर वो देने का फायदा क्या। वो तो अब पंजाब वालों की वजह से 105 तक का मतलब मार्केट आ गई, नहीं वही दिल्ली वाले फार्म पाते हैं 120 में, तो मेर से बात हो गई थी एक सप्ताह की 70 सूर होगी, लेकिन जब उनके पास घर पहुंचने लगा तो फार्म पे भी आना बंद कर दिया और फोन भी नहीं उठाए। तो अब इनके भरोसे तो काम बहुत कम चांस है। और जिस भाई का किसी का अगर सही रेट में किसी का वार आ रहा है, 10-5 बिक्री हो रहे हैं, तो भाई उसमें अपने सेल भी करो, क्यों खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है फीड का। और आने वाले टाइम में मैं ये कहता हूँ कि 80% 85% को फीड पे ही काम रहना है, होटल आटल कंपनी संपनी ये कुछ चल नहीं रही है। तो अपना हिसाब तो अभी थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, देखे एकदम से आए तोहफा करने से कि भाई आज गिर जाते मिला है तो आज ही हमारे वो चिट्ठी दे देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, टाइम तो लगेगा। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा सिस्टम तो ऐसा भी भाई मिलजुल के एक दूसरे की सलाह से काम करो कि कैसे थोड़ा सा रोक के जाए अभी काम, उस हिसाब से काम चले। और जैसी भी कोई बात होगी वो सभी भाइयों के सामने आओगी, कोई ऐसी नहीं है चोरी छुपे कि फौजी अपने अपने बेच देगा या सुनील अपने बेच देगा, वो बिकेंगे तो सभी भाइयों। तो जैसा भी है, जैसे अभी सभी भाइयों को पता है ग्रुप में तकरीबन भाई जुड़ ही रहे हैं कुछ, जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में हर डिस्ट्रिक्ट के सब आदमी ग्रुप में नहीं है तो वो पता ही लग जाती है बात, तो उस हिसाब से अपना काम करें। राम राम। अच्छा।
मैं रोहतक के प्रधान है। देखिए इधर देखिए, जो भाई मारा प्रधान है ना, तो जब ऐसा कोई काज प्रवचन हो ना तो पंडित बनाई लिया हुआ है।